सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू गेम प्ले वीडियो। तो आज अपन यार ट्राई करने वाले हैं इस गेम के अंदर पूरा का पूरा जो ओशन है वो बाय करने वाले हैं। उतने के लिए अपन को यार लगभग 1.5 लाख के करीब रुपए चाहिए होंगे, तभी अपन पूरा का पूरा ओशन है जिसके अंदर जो भी कारें आएंगी चारों की चारों वो अपन परचेज कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा टारगेट होने वाला है वो यही होने वाला है, तो उसके लिए मेरे को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और मैं जब भी यार यहाँ पे आता हूँ ना जंक यार्ड पे, तो मेरे को कोई भी गाड़ी नहीं देखने को मिलती है, तो यहाँ से मेरे को कोई भी अर्निंग वगैरह अभी तक नहीं हुई है। आपकी हुई है क्या कभी, ये आप प्लीज़ यार कमेंट करके बताना। तो अभी अपन डायरेक्ट चलते हैं यहाँ से बाहर। और मैं आज अपना फेस कैम नहीं कर पाया क्योंकि यार थोड़े आई फ्लू हो रखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना यार वॉइस ओवर करके ही इस वीडियो को पूरा किया जाए। तो अभी अपन को यार यहाँ से जाना है नेबरहुड, क्योंकि आज यार अपना वो कार मार्केट आई थिंक नहीं ओपन हुआ होगा, तो कार मार्केट नहीं ओपन हुआ था तो मैं नेबरहुड आ गया। और नेबरहुड आने के बाद में मेरे को एक कार देखने को मिली जो कि बहुत ही बढ़िया है। अभी मैं आपको इसका नाम बताता हूँ, एकदम नई लग रही है। इसका नाम है यार कोडा कोडियर। कोडा तो मेरे को पता ही है यार कंपनी का नाम होता है। तो अभी इसको बाय करनी है, तो हमने इसको बाय कर लिया। अभी हमारे पास में लगभग 45,000 के करीब रुपये बचे हैं क्योंकि हमने ये वाली बाय कर ली है। तो मैं चाहूँगा कि मैं एक और ऐसी की ऐसी बाय कर लूँ यहीं कहीं से, तो मैं नेबर के अंदर और भी ढूंढनी पड़ेगी ऐसी कार। तो मैं जाके डायरेक्ट यार वो कार ढूंढ लेता हूँ, और ये थोड़ी बहुत डैमेज है इसको भी सही करवानी पड़ेगी, तो मैं इसको रिपेयर के लिए भी भेज देता हूँ। अभी मैं दूसरी कार ढूंढता हूँ। मैं जैसे ही आगे गया तो मेरे को ये वाली कार देखने को मिली, और ये कार इसका नाम है यार चेवलेट कोबाल्ट, पता नहीं कौन सी। और आपकी कौन सी फेवरेट कार है आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, ताकि मेरे को पता चले और अपन उसका कलेक्शन करें। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार बार्गेनिंग के लिए डाल देता हूँ 10,200 रुपये, और क्या पता ये दे दे। आई थिंक दे तो देगी क्योंकि यार ओके इसने दे दिए, तो ये कार भी अपनी हो गई। और हमारे पास में अभी भी $35,000 पड़े हैं जो कि गाइज अपन यूज़ कर सकते हैं, और ये डैमेज 1% नहीं है, तो इसको चला के ही लेके जाना पड़ेगा। अपन रिपेयरिंग के अंदर नहीं भेज पाएंगे, भेज तो सकते हैं बट लेकिन मैं नहीं भेजूंगा। उसके बाद में मैं थोड़ा सा आ गया तो मेरे को एक और कार देखने को मिली, ये वाली। तो इसका नाम है यार उंडे सनीट्रा, पता नहीं कौन कौन से नाम होते हैं। तो इससे भी यार मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करके ही लूँ, क्योंकि ये जो पैसे बता रहा है 32,000 बता रहा है, तो मैं चाहता हूँ 29,802 के अंदर ले लूँ, और ये मेरे को लग रहा है दे देगा। तो अपन ने बार्गेनिंग कर ली है क्योंकि बार्गेनिंग स्किल मैंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रखी है, तो ये अपन को ऐसे ही मिल जाती है। अभी बात करते हैं इसके डैमेज वगैरह की, तो ये कितना डैमेज हो रखी है। ये भी यार 0% डैमेज है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। दोनों को ही अपन को डैमेज के लिए रिपेयर नहीं करवाना पड़ेगा, सिर्फ फ्यूल वगैरह भरना पड़ेगा जो अपन ने भर दिया। तो एक गाड़ी को मैंने वापस से वहाँ पर भेज दिया है, और दूसरी जो गाड़ी है उसको लेकर मैं डायरेक्ट चलता हूँ कार वाली जगह। तो मैं डायरेक्ट यार वहाँ पे जाके, तो यहाँ पे ये देख सकते हो गाइज़, यहाँ पे मैं आ गया हूँ, और इसको डायरेक्ट यार यहीं पे अपने शॉप के अंदर ही खड़ी कर लेते हैं ताकि इसको बेच पाएँ। तो मैं इसको एक बार यहाँ पे लगा लेता हूँ, और इसको डर्टीनेस वगैरह साफ करनी पड़ेगी जो कि मैं थोड़ी देर में कर दूंगा, इसकी थोड़ी बहुत ख़राब है डर्टी। और उसके बाद में फ्यूल मैंने इसके अंदर भर दिया है, अभी ये एकदम परफेक्ट हो गई है। और बाकी दो कारें थी दो की गाइज मैंने यहाँ पे ऑटो रिपेयरिंग के लिए भेज दी थी, तो डायरेक्ट यार वहाँ पे चलते हैं। उनमें से एक कार ऐसी है जिसको थोड़ा बहुत सही करवाना पड़ेगा, थोड़ी बहुत डैमेज है, उसको मैं सही करवाने यहाँ पे दे दूंगा। और उसी के साथ साथ जो वो एक और कार है ना, उसके आई थिंक पेंट वगैरह अगर होगा नहीं कंप्लीट हुआ होगा, तो मैं उसको भी दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं आया हूँ, एक सेकंड देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या दिक्कत है। इसके अंदर अपन को ओके ये डर्टीनेस वगैरह की है, तो इसको डायरेक्ट यार बेच सकते हैं। तो मैं इसको रिवर्स लेके अपनी शॉप के अंदर जाके खड़ी कर देता हूँ। पेंट वगैरह भी यार इसकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। तो मैं रिवर्स ले लेता हूँ, कभी कभी मैं रिवर्स लेता हूँ तो यार ठुक जाती है और डैमेज हो जाती है, उसकी भी स्किल अपन को बढ़ानी पड़ेगी ताकि थोड़ी लेस डैमेज हो। तो यहाँ पे कारें जा रही है, कोई ऐसा ना हो मेरी वाली कार को साथ में लेके ही चली जाए। तो मैं इसको साइड में यहाँ पे एक बार लगा देता हूँ। ओके ये हमने लगा दिया गाइज, अभी एकदम परफेक्ट लग रही है। अभी अपन बात करते हैं इसको सफाई की, तो ये दोनों कारें मैं यार साफ करके यहाँ पे रख लेता हूँ, और दोनों कारें पूरी की पूरी गाइज साफ हो गई है लगभग। ओके हमारी दोनों कारें साफ हो गई है, अभी इनको सिर्फ बेचने के लिए डालना है अपने वेब पे। तो वेब पे मैं प्राइस डाल देता हूँ एक बार, वेब पेज बहुत ही आराम से ऑन होता है। और एक कार हमारी रिपेयरिंग के लिए है, तो ये यार जो कार थी 10,200 की थी, तो इसकी प्राइस मैं थोड़ी हाई रखूंगा क्योंकि अभी अपन को बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी ओशन के अंदर जाने के लिए। तो मैं इसकी प्राइस 25,000 रख देता हूँ, और नीचे वाले की प्राइस कितनी थी हमारे पास में 29,000 के आसपास की थी ना, तो मैं इसको लगभग 65-70 के आसपास रख दूँगा इसको, नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो मैं इसको 45 रख देता हूँ। और एक और कार है जो कि गैस वहाँ पे अंदर खड़ी है, उसको भी लेके आना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट यार उसके पास में जाता हूँ, तब तक देखते हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई कस्टमर आ जाए। और आप अगर हमारी वीडियोस रेगुलरली देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक करो, और कमेंट करके बताना कि आपकी फेवरेट कार कौन सी है। तो मैं जैसे यहाँ पे आया ना, तो इसकी थोड़ी बहुत पेंटिंग वगैरह रह गई थी, और यहाँ से कस्टमर जा चुके थे क्योंकि यार रात हो गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना यार इस वाली कार को अपने शॉप के अंदर खड़ी की जाए, और उसके बाद में डायरेक्ट जाया जाए सोने। तो मैं इसको एक बार रिवर्स ले लेता हूँ, और इसको खड़ी कर हूँ अपने शॉप के अंदर, रिवर्स के ही रिवर्स, पूरे के पूरी रिवर्स ही लेके जाता हूँ। और ये ब्लैक वाली मेरे को बहुत ज्यादा बढ़िया लगी, इसको मैं हाई प्राइस के अंदर ही बेचूंगा। तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट डे के अंदर।
तो ओके तो हमारा गाइज नेक्स्ट डे हो गया है, गुड मॉर्निंग। और आई के अंदर मतलब कि मेरी जो स्किल के अंदर एक पॉइंट आ गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना यार हैप्पी कस्टमर वाला बाय कर लूँ। फिर मैंने सोचा यार 100 डिटेल भी बाय कर सकते हैं, और आप इसके बारे में आप बता सकते हो नीचे कमेंट करके कि ये है क्या। और यहाँ पे कुछ लिखा था यू कैन सी द डैमेज वगैरह, कार का कोई डैमेज वगैरह है जो कि अपन देख सकते हैं, उसके बाद में लॉ डैमेज वगैरह भी आ जाएगा जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था। पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सफाई वाला भी बाय करूँ, पर एक वाली जो ये जो लाइन है ये पूरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद में वो बाय करेंगे। तो हमने यार स्किल भी अपनी इंक्रीज कर ली है, मतलब कस्टमर वाली जो भी स्कीम थी वो जो भी होती है बार्गेनिंग वाली, वो हमने पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली है। और अभी मैं आ गया हूँ अपनी शॉप के ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास में तीन कारें हैं, तीनों कारों को बेच के अपन अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। अभी बात करते हैं यार इस कार की, तो इस कार के अंदर अपन को पेंटिंग करवानी है जो कि गाइस नॉर्मल बात है, अपन बहुत ही आराम से करवा लेंगे। फ्यूल की बात करें तो फ्यूल आई थिंक थोड़ा बहुत कम पड़ेगा, तो उसको भी अपन सेटल कर देंगे। तो अभी मैं डायरेक्ट जाता हूँ इसको पेंट वगैरह करवाने, पेंट वगैरह करवाने के बाद में ये कार हमारी एकदम झकास सी देखने को मिलने वाली। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ओके अभी बात करते हैं पेंट की, तो कैसा पेंट करें यार, व्हाइट कलर का कर लेते हैं क्योंकि ऐसा इस टाइप की एसयूवी है ना, व्हाइट कलर की बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है, तो मैं ये व्हाइट कलर की कर लेता हूँ। ओके ये तो हो गई है गाइज। अभी मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर यार नाइट्रोजन वगैरह भी डलवा दूँ ताकि बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाए, और ज़्यादा अपन इसको इन्हेंस करके बेच पाएँ। तो मैं रिवर्स ले लेता हूँ डायरेक्ट यार उस वाली जगह ट्यूनिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं एक सेकंड भाई पीछे भीड़ मत जाना वरना फिर से डैमेज हो जाएगी। तो अभी अपन बात करते हैं इससे, तो यहाँ पे मैं टायर वगैरह भी चेंज करूँगा, और यहाँ पे मैं एक गलती करता हूँ जो कि गाइज रेसिंग वगैरह रेसिंग किट और ड्रिफ्ट किट मैं दोनों ही बाय कर लेता हूँ, जबकि तीनों में से एक कोई करनी होती है। ये मेरे को बाद में पता चला जब मैंने तीनों बाय कर ली, और यहाँ पे आप चाहते हो दो कोई भी लगवा सकते हो। तो हमने दोनों की दोनों ही बाय कर ली थी, और हमने रेसिंग वाली किट रखी। और उसके बाद में बात करें लाइटिंग की, तो लाइटिंग यार इसके अंदर एकदम मस्त होनी चाहिए, तो ये वाली लाइटिंग मेरे को बढ़िया लग रही है यार, इतनी भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ओके प्लेट्स की बात करें तो प्लेट्स तो यार पहले से ही अच्छी थी, तो इसको चेंज करवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। टायर्स अपन को चेंज करवाने पड़ेंगे जो कि देखते हैं कौन सी, ये वाले बढ़िया लग रहे हैं और ये वाले भी बढ़िया लग रहे हैं, तो 3,000 के हैं, ये वाले भी बढ़िया लग रहे हैं यार। वैसे तो सारे के सारे बढ़िया लग रहे हैं, पर बात करें व्हाइट की, तो पूरी की पूरी कार अपनी जो व्हाइट है ना, तो अपन टायर्स भी सोच रहा हूँ मैं कि व्हाइट ही रख लूँ ताकि एकदम से मस्त देखने को मेरे पूरी की पूरी। तो ये वाले व्हाइट नहीं रखना चाहता मैं, वो $1,500 वाले व्हाइट थे ना, कौन से थे एक सेकेंड, हाँ ये वाले, तो ये वाले आई थिंक मैं रख लेता हूँ। अभी हमारी कार पूरी की पूरी अपग्रेड हो गई है, और अपग्रेड करने पर यार ये कार और ज़्यादा महंगी बिकेगी, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो अभी मैं इसको रिवर्स लेके डायरेक्ट अपनी शॉप के अंदर जाता हूँ, और वहाँ पर इसको सेल के अंदर डाल दूंगा, और सेल के अंदर भी अच्छे खासे पैसे के अंदर डालूंगा ताकि बहुत ही आराम से ये बिक पाए। तो ये थोड़ी डगमग डगमग चल रही है, पर कोई दिक्कत नहीं है मेरे को यार, अपग्रेड भी करना है अपना शॉप जो कि अपन बाद में कर लेंगे। अभी यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे कोई कस्टमर वगैरह आया नहीं है यार उसके लिए, अच्छा मैंने ओपन ही नहीं किया था। अच्छा अभी मैंने अपना जो ऑफिस है वो ओपन कर लिया है, अभी कस्टमर्स वापस से आने लग जाएंगे। बात करते हैं यार इसके अंदर और क्या क्या बाकी है, तो मैंने सब कुछ कर लिया है, अभी सिर्फ इसको यार वेब के अंदर डालना है, और कभी कभी वेब पेज बहुत मुश्किल से चलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 25,000 की हमने ली थी, 4,000 का हमारा वो जो भी था अपग्रेड जो भी मैंने करवाया था वो हो गया है, टोटल 30,000 की हो गई है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको डबल के अंदर बेचूँ ताकि अपना जो प्रॉफिट है वो और ज़्यादा हो पाए। तो मैं इसका प्राइस लगभग डाल देता हूँ 75,000 के करीब, तो इसको मैंने पुट कर दिया है। अभी बात करते हैं कस्टमर्स की, तो कस्टमर वेट करने के बाद में मेरे को एक ना एक कस्टमर जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो ये देख सकते हो गाइज हमारी स्क्रीन पे पहला कस्टमर आ गया है जो कि बच्चा सा है, ये पता नहीं लेगा या फिर नहीं लेगा। 45,600 मैंने इसके अंदर प्राइस डाल दी है, और ये बच्चा यार कम प्राइस के लिए बोल रहा है, तो मैं इसको एक बार बार्गेनिंग करके देखता हूँ क्या पता ले ले। तो मैं इसको 45,599 का बोल के देखता हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही डल दिया मैंने यार, 4,00,000। ओके अभी ऑफर करके देखते हैं क्या पता ये ले ले लेगा या फिर नहीं लेगा। नहीं ये बोल रहा है नहीं लूँगा, थोड़ा बहुत और कम करके देखूंगा गैस, थोड़ा बहुत और कम करके देखता हूँ क्या पता ले ले। तो मैं इसको 42,888 अब ले ले भाई, इससे कम मैं नहीं करूंगा, लेनी है तो लो वरना कोई दिक्कत नहीं। ओके ले ली गाइज, अभी हमारे पास में $44,000 हो गए हैं, और एक और मैडम आ गई है, इनसे भी बात करके देखते हैं। ये मैंने 75,000 की डाली थी, अभी क्या पता ये मेरे को पता है पूरी की पूरी प्राइस के अंदर नहीं लेगी, 48,000 के करीब बोल रही है, तो मैं इसको थोड़ा बहुत बार्गेनिंग के लिए कम प्राइस कर देता हूँ, इसका 71,200 के करीब कर देता हूँ, देखता हूँ लेती है या फिर नहीं लेती है। 71,200 करने पर भी नहीं ले रही है, तो मेरे को इसका प्राइस थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा क्योंकि मैंने डाल भी ज़्यादा दिया, 65,999, अब इससे कम नहीं यार, प्लीज़ ले लेना, प्लीज़ 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 ले लेना। नहीं ले रही है ना, हाँ नहीं ले रही है, एक बार और ट्राई करके देखते हैं। मैं इसका प्राइस डाल देता हूँ, कितना डालूँ यार, क्योंकि 75,000 थे टोटल हमारा, 30,000 लग रखा है यार। अब अगर ये इससे डबल में भी लेना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं 5,999 डाल के देखता हूँ, 60,000 के अंदर तो ले ले यार, इतना कम तो कर दिया मैंने। ओके मान गए क्या, नहीं मानी यार, तो ये बोल रही है 48,600 बेच देता हूँ ना, वैसे तो सही है और कोई दिक्कत नहीं यार, ले जाओ और क्या है, डबल ही दे रही है क्योंकि हमारे 25-30,000 लगे हैं, तो हमने दे दिए। उसके बाद में रात हो गई थी, तो एक और कस्टमर अपन को देखने को मिली हमारी तीसरी कार के लिए, जो कि गाइज हमें प्राइस दे रही थी 11,500 का, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे बार्गेनिंग करके सस्ते के अंदर बेच देता हूँ ताकि अपन कल क्या कर पाएँ और भी बढ़िया बढ़िया कार ले पाएँ। तो मैंने इसको लगभग कम प्राइस के अंदर बेचने का ट्राई किया, पर उसने मना कर दिया, ये बोल रही 11,000 समथिंग के करीब ही लूँगी, तो मैंने इसको 13,000 बोला, और ये आई थिंक मान जाएगी। ओके ये मान गई है और हमारी कार बिक गई, और हमारे पास में फाइनली $1,06,009 हो गए, जो कि गाइज़
बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी मैं यहाँ से डायरेक्ट जाता हूँ सोने, क्योंकि सोना भी बहुत ज़रूरी है। तो सो के गाइस थोड़ी नींद ले लूँगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आज बहुत मेहनत की है और $1,00,000 हमारे पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए हैं। और यार आगे चल के मेरे को हाउस भी बाय करना है जो कि बहुत महंगा होगा। तो अभी अपन मिलते हैं नेक्स्ट डे के अंदर, 1,04,000 समथिंग कुछ का अपना रिजल्ट आया टोटल। तो नेक्स्ट डे हो गया गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी अपन डायरेक्ट से जाने वाले हैं, एक सेकंड में एक चीज़ चेक कर लूँ वेब के अंदर बिल्स का, क्योंकि बिल्स बहुत ज़्यादा आ रखे हैं। 5,000 का बिल आ रखा है तो मैं ये भर देता हूँ और हमारे पास में आई थिंक प्राइस कम हो जाए। ओके 98,000 समथिंग कुछ हमारे पास में बचे हैं। और बात कर लेते हैं कार मार्केट की, तो कार मार्केट ओपन हो गया गाइस, तो अपन को वहाँ पे जाना है डायरेक्ट। और वहाँ पे जाके मैं एक कार देखी, मैंने जैसे ही मैं यहाँ पे आया ना तो मेरे को एक कार देखने को मिली जो कि गाइस सामने की ओर थी। तो हमने सोचा ये वाली कार अपन बहुत ही आराम से परचेस कर सकते हैं। तो मैं आया इसके पास में और इससे बार्गेनिंग करना स्टार्ट किया। तो ये बोल रहा है, ये प्राइस तो यार बहुत ज़्यादा हाई बोल रहा है, फिर भी यार अपन थोड़ा बहुत कम करके देखते हैं, क्या पता ये दे दे, हो सकता है मे भी दे दे। 75,000 के करीब आई थिंक ले लेता हूँ मैं, और दे दे गया तो अच्छी बात ही है। ओके ले ली है हमने ये वाली कार, अभी अपन एक और कार लेने का ट्राई करेंगे, देखते हैं कि यहाँ पे मिलती है या फिर नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे पास में 23,000 के करीब रुपए पड़े थे। तो ये यार थोड़ी बहुत डैमेज है तो इसको मैं डायरेक्ट रिपेयरिंग के लिए भेज देता हूँ यहीं से, क्योंकि चला के जाने में कोई फ़ायदा है नहीं। रिपेयरिंग के लिए गाइस इसको मैंने भेज दी है। फिर मैंने सोचा क्यों ना यार एक और कार परचेज कर सकता हूँ मैं, 23,000 है ना मेरे पास में, तो कोई ना कोई ये वाली एक ठर्रा बाय कर लेता हूँ और क्या है। तो अभी इससे बात करते हैं, तो ये बोल रहा है गाइस 11,000 का, तो मैं इसको 9,000 डाल के देखूँ क्या कम प्राइस करके, देखता हूँ क्या पता ये ले ले। 9,000 भाई साहब ले लो आप, ये मान गया। ओके ये मान गया गाइस 9,000 के अंदर। तो हमारी एक को ठर्रा आ गई है जो कि ये रही, ये मेरे को इतनी बढ़िया नहीं लगी क्योंकि सस्ते के अंदर आई है ना, हमारे पास में पैसे बहुत ज़्यादा है और डैमेज भी बहुत सारी है। तो इसको भी मैं रिपेयरिंग के लिए भेज देता हूँ और मैं खुद यार बस के अंदर ट्रैवल करूँगा ताकि अपन जल्दी से वहाँ पे पहुँच जाए, गाड़ी वाड़ी चलाने की अपन को दिक्कत ना रहे। तो मैं एक बार ऑफिस डायरेक्ट जाता हूँ। और आप अगर हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो ताकि ये वीडियो थोड़ी और रिकमेंडेशन के अंदर चली जाए। तो यहाँ पे मैं जैसे ही आया ना तो थोड़ा बहुत कचरा बिखर रखा था हमारी शॉप के अंदर, उसके साथ साथ मैंने सोचा क्यों ना अपन सबसे पहले कार को रिपेयरिंग के लिए दे दें, उसके बाद में डायरेक्ट जाके कचरा वगैरह साफ करें। तो ये रही हमारी दोनों कारें, जिसमें से ये महंगी थी तो मैंने इसको सबसे पहले दिया, उसके बाद में ये वाली भी थोड़ा बहुत खर्चा कर रही थी तो मैंने उसको भी दे दिया। अभी मैं यार थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा तो मेरे को पता चला कि मेरी गाड़ी रिपेयर होकर तैयार हो गई है। और जैसे ये तैयार हुई तो अब मैंने देखा कि इसके अंदर सिर्फ पेंट करवाना बाकी है, डर्टीनेस तो मैं खुद ही साफ कर लूंगा। फ्यूल मैंने इसके अंदर भर दिया है, अभी सिर्फ इसका पेंट करवाना बाकी है। तो इसको पेंट करवाएंगे, आई थिंक गाइस ब्लू कलर का वगैरह का करवा लूँ ना, बढ़िया लगेगी, कुछ अलग कलर करके देखते हैं, क्योंकि व्हाइट के अंदर तो आई थिंक ये है ही। तो मैं रिवर्स ले लेता हूँ और रिवर्स के अंदर मेरे को एक झंझट बहुत लगता है कि ये पता नहीं क्यों टक्कर लग जाती है इसके, और आई थिंक लग गई। ओके टक्कर लग गई गाइस 2% की आई थिंक, अभी देखते हैं कि कितना डैमेज हुआ है। अभी मैं तैयार करके आया था, ओके 2% का ये डैमेज हो गया है, इसको भी सही करवाना पड़ेगा। बात करते हैं कलरिंग की, तो मैं इसका कलर थोड़ा सा हटके लूँगा, एकदम ही हटके लूँगा, देखते हैं कौन सा होने वाला। आई थिंक रेड तो मैंने एक बार पहले ले रखा था ना, ब्लू कभी नहीं लिया ना मैंने ब्लू। ओके तो गाइस मैं इसका कलर पूरा का पूरा ब्लू रख लेता हूँ और जैसे इसका डर्टीनेस जो भी साफ होगा ना तो ये एकदम ब्लू लगने लग जाएगी। कलर हमने करवा लिया है, अभी मैं एक बार इसको बैक ले लेता हूँ। इसके अंदर आई थिंक नाइट्रो पहले से है तो मेरे को वो डलवाने की आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या डलवाने की जरूरत पड़ेगी। नहीं इसके अंदर नाइट्रो भी नहीं है, नाइट्रो डलवा लेते हैं, NOS डलवा लेते हैं, ESP डलवा लेते हैं, और इन दोनों में से कुछ नहीं डलवाऊंगा, क्योंकि डलवाऊँ या फिर ना डलवाऊँ कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं इसकी आगे वाली लाइट एकदम अलग रखूंगा क्योंकि ये पूरी की पूरी खुद ब्लू हो जाएगी और लाइट लाल, ये तो बहुत ज़्यादा गलत लग रहा है। हाँ ये वाला अच्छा लग रहा था। ओके तो अभी बहुत बढ़िया लगने लग गई हमारी ये कार, और अभी इसको वापस रिपेयरिंग के अंदर देना पड़ेगा क्योंकि मैंने खुद ने इसको डैमेज कर दिया है। तो कुछ कम रुपए लगेंगे आई थिंक, हो सकता है कि $100 के अंदर पूरा का पूरा काम हो जाए। तो मैं इसको रिवर्स के अंदर ही रिपेयरिंग के अंदर दे देता हूँ। और हमारी एक और गाड़ी है वो रिपेयर हो गई है तो अभी अपन उसके पास भी चलेंगे। $41 लगेंगे, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आराम से हो जाएगा। और इसके अंदर भी अपन को पेंट करवाना पड़ेगा तो इसका भी पेंट करवा लेता हूँ, फ्यूल भरवा देता हूँ, और डर्टीनेस थोड़ा साफ़ करवाना पड़ेगा जो कि गाइज मैं अपने आप ही कर लूँगा क्योंकि उसके अंदर मेरी एक ही स्किल है जो कि बहुत स्लो साफ करता है। आगे चल के यार जैसे जैसे अपन स्किल्स बढ़ाते रहेंगे ना वैसे वैसे अपग्रेड होती रहेगी। तो मैं यार ओशन के लिए ही ट्राई कर रहा हूँ, लगभग मेरे पास में 1.5 लाख होंगे ना तभी अपन वहाँ पर जाएंगे और जो भी कारें होंगी ना चारों की चारों वो परचेज करने का ट्राई करेंगे। तो मैं एक बार इसको रिवर्स ले लेता हूँ, पहले भी मैंने रिवर्स ली थी तो यार डैमेज हो गया था और ये मैंने पता नहीं कैसे खड़ी की, ये फिर भी देखते हैं। ओके ये ऑटोमेटिकली सही हो गई है। और इसका कलर का लिए मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगा, ना नॉर्मली ब्लैक कर दूंगा क्योंकि इसको सोचने का तो कोई फायदा है नहीं। $9,000 की है तो लगभग $13,000-14,000 की बिकेगी तो इसके अंदर माथापच्ची नहीं करेंगे अपन। और अभी डायरेक्ट जाते हैं इसको शॉप के अंदर खड़ी करते हैं, इसको साफ करते हैं और इसको सेल के लिए लगाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मेरे पास में अभी $12,000 है और आज का हमारा टारगेट है कि हम 1,50,000 के आसपास तो पहुँचे ही पहुँचे। तो हमारी जो पहली कार है वो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, मेरे पास में जगह भी कम है। जैसे ही मैं चार कार लिया था ना तो ये पूरा का पूरा शॉप है ये भर जाता है। एक कार हमने लगा दी है, अभी डायरेक्ट
फिर चलते हैं उस वाली कार के पास में, और वो कार मेरे को ज़्यादा अच्छी लग रही है यार देखने को, और मेरा फ़ोन भी पीछे से बज रहा है तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। और आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अभी मैं यहाँ पर आ गया हूँ और इस कार को मैं लेके चलता हूँ रिवर्स, और एक कट मार के देखता हूँ। देख सकते हो गाइज, मैंने ड्रिफ्टिंग वाली डलवाई थी जो कि गाइज बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही है, और ये वाली कार और भी बढ़िया लग रही है। अब कोई टक्कर वक्कर मत मार देना वरना और पैसे हमारे पास में है नहीं। तो इसको मैं यहाँ पे खड़ी कर देता हूँ, ओके। और अभी बात करते हैं इसकी सफाई वगैरह की, तो ये सब कुछ सही है, सिर्फ इसका डर्टनीनेस है जो कि मैं थोड़ा बहुत दूर कर देता हूँ। और मैंने दोनों गाड़ियों को गाइज साफ़ कर दिया है, और साफ़ करने के बाद में गाइज अब हो गई हमारी गाड़ी चकाचक। अब हम इनको डाल सकते हैं सेल पर, तो मैं दोनों गाड़ियों को यार सेल पर डालने का ट्राई करूँगा। और यहाँ पर आ गया हूँ गाइज में, और ओके वेब पेज ये रहा, और यहाँ से मैं एक बार देखता हूँ बिल मैंने भर दिया था आई थिंक, ओके। तो ये रही दोनों कारें हमारी, तो इस वाली कार का लगभग 76,000-77,000 के करीब मेरा लग रखा है। और अरे ये क्या किया मैंने, $0 के अंदर भेज देता अभी तो मैं, तो इसका प्राइस मैं बहुत ज़्यादा हाई रखूँगा ताकि क्या पता ये बिक जाए। लगभग 1,25,000 रख दूँगा ना, आई थिंक रख देता हूँ, आई थिंक बिक जाएगी। और नीचे वाली तो यार 9,000 की तो है ही, तो इसका मैं क्या ही प्राइस रखूँ। इसका प्राइस भी मैं वैसे हाई रखूँगा और सस्ते के अंदर बेच दूंगा, मेरे को इसके इससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा नहीं मेरे को पता है। तो इसको मैं 24,500 के करीब रख देता हूँ। तो ये दोनों हमने रख दी है, और फोटोज़ हमारे पास में है नहीं तो उसका दिक्कत अपन क्या कर सकते हैं। और एक कस्टमर गाइज आ गया है, अभी बात करते हैं कस्टमर से और देखते हैं कि क्या वो ले पाता है या फिर नहीं ले पाता है। ये रहा हमारा पहला कस्टमर, 1,25,000 के करीब का बोल रहा है, अभी देखते हैं। ये बोल रहा है ओके 92,000, बहुत ज़्यादा है, वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं, अगर इतने में भी अपन बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, फिर भी 1,24,000 का बोल के देखते हैं। और ये बोला है वेट ए मिनट, नहीं ले रहा यार, थोड़ा बहुत और कम करके देखूंगा, 1,23,999 ले ले यार, आई एम श्योर समथिंग कुछ, और कैन आई गॉट, नहीं ले रहा ना, फिर भी कम करके देखूँ, मेरे को नहीं लगता यार ये लेगा, लेना होता तो अभी तक ले लेता। फिर भी देखते हैं 1,22,999, ओके गाइज आई थिंक ले लेगा, आई थिंक ले लेगा, ओके गाइज ये हमारी तो गाइज ये तो चला गया। अभी अपन डायरेक्ट चलते हैं सेकंड वाले कस्टमर की ओर। ये सेकंड वाली कस्टमर जो कि 1,11,000 के करीब बोल रही है, तो ये बहुत ही आराम से हमारी कार ले लेगी, आई थिंक ले लेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा बोल रही है, ओके इन्होंने ले भी ली है। अभी बात करते हैं सेकंड वाली कार की, उसको भी बेच देते हैं कम रुपए के अंदर ही, ताकि अपन ओशन के अंदर जा पाएँ और वहाँ से अच्छी अच्छी कारें परचेज कर पाएँ। तो अभी बात करते हैं इसकी, ये कितने में ले रहा है, 13,000 के करीब का बोल रहा है, तो मैं इसको ज़्यादा बार्गेनिंग वगैरह नहीं करूँगा और सस्ते के अंदर ही निपटा दूंगा। देखते हैं कि ले पाता है या फिर नहीं ले पाता, 19,000 के करीब का देखते हैं, नहीं ले रहा है, थोड़ा बहुत और कम करके देखते हैं क्या पता ले ले, नहीं लेगा तो ये जितने का बोल रहा है उतने के अंदर ही दे दूंगा, 16,500 के अंदर देखते हैं लेता है या नहीं ले रहा है। एक बार और ट्राई करके देखता हूँ, थोड़ा और कम करके 14,500 इतने भी ये सफिशियंट है अगर ओके इसने ले लिए। और अभी हमारे पास में 1,51,000 हो गए हैं और रात भी हो गई है, तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट डे। तो जैसे ही गाइस नेक्स्ट डे हुआ तो मैं डायरेक्ट ओशन के अंदर आ गया, तो यहाँ पे देख सकते हो 0 सेकंड हो गए हैं, और अभी अपन ये जो बिट है वो स्टार्ट होने वाली है। पहली कार ये रही जो कि अपन आराम से बाय कर पाएंगे, क्योंकि 195 की बिट है जो कि अपन लगाएंगे, 9,700 के जो पहली बिट है और 9,800 के करीब ये जाने वाली है। अभी देखते हैं आगे कितनी जाती है, ज़्यादा मैं इसको खींचूंगा नहीं, 20,000 के अंदर अंदर आ जाएगी तो इसको परचेज कर लूँगा और बहुत ही आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में 1,50,000 के करीब है। तो ट्राई करते हैं क्या पता ये हमारी आ जाए और हम चारों के चारों परचेज कर पाएँ। मेरी तो यही जो होने वाला है ना टारगेट, वो यही होने वाला है कि मैं चारों के चारों परचेज करूं। और आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपकी कौन सी फेवरेट कार है कोई भी कंपनी की, तो अपन वो टॉप 10 वाली जो भी वीडियो होने वाली है वो अपन बना लेंगे। तो एक बार ट्राई करके देखता हूं 195, ओके इसका प्राइस बढ़ रहा है, 13,000 हो गया है, 13,600 के करीब भी पहुंच गया है। और एक और बंदा है जो कि बिट लगा रहा है, क्या पता वो ले जाए, क्या पता हम ले जाएं। वैसे मैं हार तो मारने वाला नहीं हूँ, 20,000 तक, 20,000 के ऊपर चली गई तो हो सकता है मैं ना लूँ। ओके अपन को वो गाड़ी मिल गई है, और सेकंड आ गई है गाइज लैम्बोर्गिनी कल्च, और इसकी स्टार्टिंग ही बहुत ज़्यादा है तो मैं इस पर बिट नहीं लगाऊंगा, इसको स्किप कर देता हूँ और डायरेक्ट चलते हैं थर्ड वाली पे, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा थी यार, इतने तो प्राइस पे इतने तो पैसे नहीं है। देखो गाइस 5,00,000 पे जा रही है, हमारे पास में तो इतने पैसे हैं नहीं, तो जिसको भी मिलती है उसको लेने देते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट वाली गाड़ी की, तो ये वाली भी मैं लेने का ट्राई करूंगा, इसका बिट होने वाला है $450 के करीब, तो मैं इसका बिट एक बार देख के ओके ट्राई कर लेता हूँ यार, ले तो सकता हूँ, थोड़ी बहुत डैमेज है जिसकी सही करवानी पड़ेगी, बाकी तो इसके अंदर आई थिंक कोई दिक्कत होगी नहीं। तो ओके प्राइस चल रही है 25,000 के करीब हो गई है, 26,000 हो गई है मेरे पास, 1,36,000 कोई दिक्कत नहीं, 27,000 हो गई है, और भी कोई बिट लगा तो भाई कोई नहीं लगा रहा गाइस, ये अपन को मिल गई है, बहुत ही आराम से मिल गई है। अभी हमारे पास में 1,00,000 है तो अपन ये भी बहुत आराम से परचेस कर लेंगे। इसकी बिट 840 के करीब है गाइस, इसकी बिट सबसे ज़्यादा है, देखते हैं 41,000 से स्टार्टिंग है इसकी, तो ये आई थिंक थोड़ी बहुत आगे जाएगी, 43,000-44,000 हो गई है, 45,000 हो गई, 46,000 हो गई गाइस, बहुत लोग बिट लगा रहे हैं, 47,000-48,000 हो गई है, 39,000 अभी मेरे को लग रहा है ये 50,000 के पार जाएगी, ओके 50,000-51,000 लगभग हो गई है, और मैं इसको बहुत ही आराम से परचेज कर लूँगा मेरे को लग रहा है। 53,000 कोई है क्या लेने वाला, 53, हाँ है, मैं फिर से ले रहा हूँ 54,000 के अंदर, अभी देखते हैं कोई लेने वाला है भाई,
56,000 के अंदर भी कोई लेने वाला होगा क्या? मेरे को नहीं लगता। अरे भाई है 58,000 के करीब पहुंच गई, मेरे को लग रहा है ये 60 तो पार कर ही जाएगी आराम से। हाँ ये बहुत ही आराम से 60 पार कर जाएगी। एक बंदा है जो कि मेरे साथ साथ ही बिट लगा रहा है, अभी 61,000 की हो गई है मेरे पास में, फिर भी पैसे बच जाएंगे, तो अभी देखते हैं। ओके तो अपन को गाइस 4 में से 3 कारें मिल गई है जो कि बहुत ही बढ़िया, और हमारी एक्सपी भी बढ़ गई है 10-10 करके, टोटल 30 बढ़ गई है। एक बीच में यार लैम्बोर्गिनी आ गई थी, उसके लिए यार 5 लाख रुपये चाहिए होंगे जो हमारे पास में नहीं थे। हम इतने भी अमीर नहीं है, क्योंकि अपन को यार अपना जो कार वाली वो डीलरशिप है उसको भी अपग्रेड करनी है। अब बात करते हैं डैमेज की, तो ये थोड़ी बहुत डैमेज है जिसको मैं रिपेयरिंग के अंदर भेज देता हूँ, और ये वाली आई थिंक 0% डैमेज है तो इसको मैं चला के लेके चला जाऊँगा, और ये भी थोड़ी बहुत डैमेज थी तो इसको मैं कम रुपये के अंदर ही बेचूँगा क्योंकि मैंने इसको कम रुपये के अंदर ही बाय किया है, तो उसको भी डैमेज। यार एक सेकेंड इसको भी देख लेते हैं एक बार, फ्यूल इसका भर देते हैं और इसको भी लेके जाते हैं, और उसको भी यार वो भी थोड़ी बहुत भी डैमेज नहीं है तो दोनों को यार चला के लेके जाना पड़ेगा, तो मैं इसको चला के लेके जाऊँगा। और इसका इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है ना आई थिंक, ओके अभी स्टार्ट हो गया है, और स्पीड वगैरह अपन बाद में चेक करेंगे जैसे जैसे हमारे पास में पैसे आएंगे, अच्छी गाड़ी आएंगी ना तभी अपन ट्राई करेंगे कि किसकी स्पीड कितनी है, क्योंकि अभी तो कोई मतलब है नहीं। तो मैं इसको डायरेक्ट यार अपनी शॉप के अंदर खड़ी कर देता हूँ क्योंकि अपन को और कोई कार तो लेनी है नहीं, तो यहाँ पे अपन इसको शॉप के अंदर खड़ी करते हैं, और वो वाली कार भी लानी पड़ेगी, पर उससे पहले मैं उसको रिपेयरिंग के अंदर दे देता हूँ, रिपेयरिंग के अंदर देके और फिर मैं वहाँ तक जाके उस कार को लेके आऊँगा, तब तक ये भी रिपेयर हो जाएगी, और फिर तीनों को अपन सेल के अंदर लगा देते हैं। देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें दिक्कत देती है, एक बार एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, इससे बात कर लेता हूँ डायरेक्ट। ओके बोल रहा है $200 का, तो $200 अपन ने टिक कर दिए। अभी मैं जाता हूँ यार उस वाली कार को लेने अपने शॉप के अंदर, और देखते हैं कि वो कितने में बिकती है, क्योंकि वो थोड़ी बहुत भी डैमेज है नहीं। तो मैंने गाइज उस कार को ले लिया है और मैं इसको यहाँ पे खड़ी कर देता हूँ, और दोनों को बेचने के लिए इसको साफ़ वगैरह भी करना पड़ेगा, तो ये मैं करूँगा। और अभी जाता हूँ उस वाली कार के लिए, और वो चाहता हूँ, मैं चाह तो पेंटिंग करके भी बेच सकता हूँ और अपग्रेड करके भी बेच सकता हूँ, दोनों चीज़ें कर सकता हूँ। अभी देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या बाकी रहा है थोड़ा बहुत। ओके तो इसका थोड़ा बहुत 2% पेंट है जो कि मैं चाहूँ तो करवा सकता हूँ। 2% के लिए यार क्या मैं दूँ इसको, यार मेरे को मन तो है नहीं देने का, पर फिर भी यार कभी कभी क्या है कस्टमर जितने रुपए अपन बताते हैं ना उतने में यार लेता है नहीं, तो मैं एक बार इसको रिवर्स करके देख लेता हूँ। आई थिंक रात हो गई है ना, मेरे को लग रहा है एक बार, हाँ रात हो गई है, तो गाइस पेंटिंग के लिए मैं अभी नहीं दे पाऊँगा, सवेरे देनी पड़ेगी, तो मैं इसको एक बार यहाँ पे खड़ी कर देता हूँ और डायरेक्ट जाऊँगा सोने। और उसके बाद ओ भाई क्या कट मार के घुमाई यार मैंने, क्या बात है, मैं तो बहुत ज़्यादा स्पेशल बन गया हूँ। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको और डायरेक्ट जाता हूँ सोने। नेक्स्ट डे हो गया गाइस, और यहाँ पे थोड़ा बहुत कचरा था तो मैं कचरा उठा के डस्टबिन के अंदर डाल देता हूँ। और अब बात करते हैं यार इसके पेंटिंग की, तो मेरे को उसको पेंटिंग के लिए देना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बात करते हैं कार मार्केट ओपन होगा क्या अभी, एक बार चेक करके देख लेता हूँ कार मार्केट। आई थिंक अगर ओपन होगा तो कुछ ले लेंगे, नहीं ओपन नहीं है तो कुछ नहीं ले पाएंगे, तो अभी अपन डायरेक्ट चलते हैं वापस से ऑफिस, क्योंकि हमारे पास में लगभग $46,000 थे, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ बाय कर लेते हैं। एक गाड़ी मैं ज़रूर बाय करूँगा ताकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर कमा पाएँ। तो हमने गाड़ी पूरी पूरी की पूरी देख सकते हो साफ़ कर ली है, अभी बारी है इन गाड़ियों को सेल के लिए देने की। तो नेट यार यहाँ पे मेरा चलता नहीं है, पता नहीं क्यों है, तीनों की तीनों कारें ये रही। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ ऊपर वाली की, तो ऊपर वाली ये रही जो कि अपन को 13,000-14,000 के करीब पड़ी थी। अरे अरे मैंने फिर से जीरो, यार ये मैं बहुत जल्दी जीरो के अंदर डाल देता हूँ, अभी कोई आके ऐसे ले जाता। 13,900 के करीब बोल रहा है ना, तो मैं इसको 30,000 डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा डालने के लिए ताकि अपन नेगोशिएशन करें तो अच्छे से हो जाए। तो अभी बात करते हैं 27,500 की, ये बोल रहा है तो मैं इसको लगभग डबल के अंदर डाल देता हूँ, 65-70,000 के अंदर। ओके 75,000 के अंदर डाल दिए मैंने इसको, ये बहुत महंगी दूंगा मैं क्योंकि ये खुद ही 61,000 की है, तो इसको महंगी देना तो बढ़ता है। 1,75,000 करके देखता हूँ, और इसका मैंने पेंटिंग वगैरह नहीं की है, कोई भी अपग्रेड नहीं की है, फिर भी देखते हैं कोई लेता है क्या। तो ये बंदा आ गया है लेने के लिए, और ये बोल रहा है लगभग 43,000, बार्गेनिंग करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक ले ले। तो बार्गेनिंग के अंदर मैं इसका प्राइस क्या रखूँ, थोड़ा बहुत ही कम करके एक बार देखता हूँ, क्या पता ये ले ले, तो क्योंकि ये जितने बता रहे उतने तो कर दूंगा, तो ये आराम से ले लेगा 74,999 भाई ले ले यार, नहीं ले रहा है ना, थोड़ी और कम करनी पड़ेगी, देखता हूँ कितनी करूँ, 51,000, ये मैंने कुछ ज़्यादा कम नहीं कर दिए क्या, फिर भी आई थिंक ये ले लेगा। ओके अरे नहीं ली, फिर भी नहीं ली, एक सेकेंड, तो फिर मैं कितना रखूँ इसका प्राइस कि ये ले ले, 48,000 तो बोल ही रहा है, 39,000 के अंदर दे दूँ। ओके 1,000 एक्स्ट्रा किए हैं, क्या पता ले ले। ओके इसने ले ली है, हमारे पास में $95,000 हो गए हैं, दो गाड़ी हमारे पास में बची थी, रात हो गई थी तो मैं सो के सुबह वापस से आ गया हूँ, और अभी अपन बात करें तो दो कारें हैं हमारे पास में, और कार मार्केट भी ओपन हो गया है, 95,000 करीब हमारे पास में डॉलर है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक और कार परचेज की जाए जिसको अपन लाख के करीब बेच पाए। तो मैं जैसे यहाँ पे आया तो मेरे को एक कार देखने को मिली जो कि गाइस यहाँ पे ये बोल रहा था 32,000 के आसपास की, तो मैंने इसका प्राइस डाला 29,000 और ऑफर किया इसको, और ये 29,000 के अंदर आई थिंक मान गया, हाँ आई थिंक मान गया। और ये वाली कार थी जो कि मेरे को रिपेयरिंग के लिए भी देनी थी, तो मैं इसको रिपेयरिंग के अंदर भी दे दूंगा और इसको तैयार करवा दूंगा, एक सेकंड। ओके रिपेयरिंग के अंदर इसको मैंने भेज दिया, अभी हमारे पास में $66,000 बाकी पड़े हैं, उनका भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और अभी मैं डायरेक्ट जाता हूँ ऑफिस के अंदर,
और अपन ऑफिस के अंदर आ गए गाइस, और कस्टमर देखो गाइस कितने हैं हमारे कार के, तो इससे अपन बाद में बात करेंगे, उससे पहले अपन रिपेयरिंग के लिए दे देते हैं, क्या पता यार ज़्यादा रुपए लग जाएँ, 66-64 हज़ार के आसपास है। और बात करते हैं, ये बोल रहा है $1000 का, तो $1000 के लिए मैंने इसको रिपेयरिंग के लिए दे दिया है। अभी अपन डायरेक्ट जाते हैं कस्टमर लोगों के पास में, वहाँ पे कोई कस्टमर तो था नहीं, तो मैं वापस से यहाँ पे आया तो तब तक ये गाड़ी रिपेयर हो चुकी थी। अभी मेरे को इसको सिर्फ पेंट करवाना है, डर्टीनेस दूर करनी है, और इसके अंदर इंजन वगैरह भी डलवाना पड़ेगा, जो भी नाइट्रो वाइट्रो है वो। फ्यूल हमने इसके अंदर भरवा दिया है, एक बार रिवर्स ले लेता हूँ, क्योंकि मैं जब जब रिवर्स लेता हूँ ना कभी कैसे ना कैसे ठुक जाती है और फिर डैमेज हो जाती है, तो अभी इसको डायरेक्ट मैं लेने वाला हूँ वहाँ पे पेंट वाली जगह। अरे भाई भाई आराम से, अब मैं इसको आराम आराम से लूँगा, वरना और पैसे मेरे पास में है नहीं खर्च करने के लिए। तो मैं इसको बैक कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, और इसका कलर भी कुछ अलग रखेंगे, कौन सा कलर रखूँ ताकि अच्छी लगे। लाल तो अच्छी नहीं लग रही गाइस, लाल है, एक सेकेंड, ब्लैक, ब्लैक भी बढ़िया लग रही है गाइस अगर मैं बेचूँ तो। ब्लू तो और भी बढ़िया लग रही है, क्योंकि मैंने पहले भी ब्लू बेची थी एक, तो मैं इसको भी ब्लू कर देता हूँ। और अभी इसके अंदर डलवाने पड़ेंगे अपने नाइट्रो वाइट्रो, आई थिंक इसके अंदर तो नाइट्रो होंगे, क्योंकि ये आई थिंक रेस कार है, तो आई थिंक इसके अंदर नाइट्रो होंगे, फिर भी देख लेता हूँ एक बार। ओ भाई टक्कर मत हो जाना। हाँ इसके अंदर नाइट्रो तो है, NOS नहीं है, जो कि मैं डलवा देता हूँ, ABS नहीं है, वो भी मैं डलवा देता हूँ, और एक ड्रिफ्ट वाली ले लेता हूँ। और एक दोनों में क्यों परचेज़ करता हूँ हर बार, ये मेरे को पता है नहीं, बट मैंने अगली बार ध्यान रखूँगा मैं दोनों नहीं परचेज़ करूँगा जल्दी जल्दी के अंदर, पैसे ज़्यादा होते हैं ना तो लोग ऐसे ही उछालते हैं। और अभी गाड़ी हमारी तैयार हो गई है पूरी की पूरी अपग्रेड के साथ साथ, तो ये बहुत ज़्यादा महंगी बिकेगी मेरे हिसाब से, देखने में बढ़िया लग रही है, बस अब कोई टक्कर ना मार दे। और यहाँ पे अरे भाई भाई थोड़ा सा बच गया, दो एक सेकंड पहले मैं होता ना तो वो टक्कर मार देता। और यहाँ पे एक कस्टमर, अरे क्या हुआ उसका मूड ख़राब हो गया, वो यार यहाँ से चला गया हमारी दुकान से, मैम से बात करके देखते हैं क्या पता ये ले ले, 30 हज़ार का बोल रही है, मेरे पास में 16 हज़ार है, मैंने इसको बेच दी, मैंने कहा ले ले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो कार है ना ये होने वाली है अपने प्रॉफिटेबल, क्योंकि ये ज़्यादा महंगी बिकेगी। अभी यार पता नहीं क्या है, नेटवर्क नहीं चल रहा है गाइस, देख सकते हो आईपैड के अंदर नेटवर्क नहीं चल रहा है, फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है, रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। ओके हो गया है अभी, आई थिंक ओके अभी चल गया है। अभी ये हमारी कार होने वाली है 33 हज़ार के करीब का, इसके अंदर हमारा सारा सामान लगा है, तो मैं इसको लगभग 1 लाख के करीब ही बेचूंगा ताकि अच्छे से बिक जाए, 95 हज़ार बहुत होते हैं। ओके तो हमारी दो कार ऐसी है जिनके अंदर मैंने प्राइस बहुत हाई रखा है, तो सबसे पहले इन मैडम से बात करते हैं, आई थिंक ये ले लेगी, देखते हैं ले पाती या फिर लेना नहीं ले पाती। 1,65,000 का बोल रही है, 76 हज़ार बार्गेनिंग करके देखते हैं कम प्राइस के अंदर, 95 हज़ार ले ले, ले लेगी मेरे हिसाब से, ले लेगी, ले 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 ले, नहीं ली यार मेरे को लगा ले लेगी, थोड़ा और कम करूँगा, और कितना कम कर सकता हूँ, 89, इससे कम नहीं करूँगा, लेनी है तो लो वरना आगे निकलो। ओके इसने ले ली है, अभी हमारे पास में 1,65,000 हो गए गाइस। अब बात करते हैं इनसे, ये भी आई थिंक 95,800 के आसपास ले लेगा, बार्गेनिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बार्गेनिंग हर जो भी कस्टमर आता है ना उसके साथ में करनी पड़ती है, तो 75,000 डाल के देखता हूँ, आई थिंक ले लेगा, और अगर ले ली तो हमारे पास में 2 लाख के ऊपर डॉलर हो जाएंगे, और बहुत बढ़िया बात होगी, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन अपग्रेड कर पाएंगे अपनी शॉप बहुत ही आराम से। तो 65,800 का एक बार इसको ऑफर देके देखते हैं ले पाता है या फिर नहीं ले पाता, नहीं ले रहा यार, थोड़ा और कम करके देखूँ क्या, क्योंकि हमारे इसके अंदर 30 हज़ार ही लगे ना, 56 हज़ार बहुत है, इससे कम नहीं करूँगा, लेनी है तो ले लेगा। ओके ले लिए गाइज, 2,21,000 हमारे पास में हो गए हैं टोटल, और आज की वीडियो बस यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन अपग्रेड करने वाले अपनी शॉप को।